परिवार के भीतर की लड़ाई रही, लेकिन इसमें अब चूंकि नंद भाभी है जी, कमोवेश सभी सभी दौर की गणना जो है वो पूरी हो रही है, तो इसीलिए अब सुप्रिया सुले की लीड क्या ऐसी निर्णायक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय शाम 7 बजे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर उसके कार्यकर्ताओं के जुटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये खबर आ रही है। पीएम मोदी शाम 7 बजे, चूंकि ये हमेशा से परंपरा रही है बीजेपी की कि किसी भी चुनाव के बाद जब जीत होती है तो कार्यकर्ताओं को संबोधित प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नेहा अमित शाह की बातें सहयोगी दलों से चल रही है। ये गौरतलब होगा ये कौन से सहयोगी दल के नेता है जिनसे बातचीत हो रही है, लगातार खंडन किया जा रहा है कि नहीं, अमित शाह अपने सारे सहयोगियों से लगातार बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जीतन राम मांझी से भी उनकी बात हुई थी और वो सबसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भी होगी लेकिन उससे पहले बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है। कुछ देर पहले राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे, अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और बीएल संतोष भी इस मीटिंग में मौजूद है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इसमें चर्चा किस तरीके से सेलिब्रेशन यानी कि जश्न मनाया जाएगा या फिर आगे पार्टी की रणनीति या फिर दोनों बातों का समावेश है? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही बातों का समावेश है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा इंतजार करेगी, अभी और नतीजे आने उम्मीद है कि जिन सीटों पर वो 10 से 15 हजार या 5 हजार मार्जिन पर पीछे चल रहे हैं उन पे उनको उम्मीदें हैं कि जैसे जैसे ईवीएम के अंदर गिनती शुरू होगी वहां उनको विजयश्री मिल सकती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी इंतजार कर रही है। लेकिन चुनावी जो रुझान आए हैं उनके ऊपर जो है चर्चा चल रही थी, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके घर पर, और वहां से लगभग 1.25 घंटे की बैठक के बाद राजनाथ सिंह यहां से निकलकर अब गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर हैं, बीएल संतोष जो है वहां पर है और लगातार जो है वो अपने उम्मीदवारों के साथ कांटेक्ट में है, तमाम बड़े नेताओं के साथ जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर फीडबैक ले रहे हैं, क्या और कैसे हो सकता है, कहां कितने अभी वोटों की गिनती बाकी है, कितनी सीटों पर, ये तमाम फीडबैक जो है वो ये यहाँ पर लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी इंतजार करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अभी कुछ सीटें और जो है उनकी झोली में आ सकती हैं और पूर्ण बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए 273 का वो उन्हें मिल सकता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी में नहीं दिख रही है किसी भी तरीके के जश्न मनाने को लेकर। नहीं, पर अभी भी उम्मीद है, हालांकि मुंबई की कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कुछ 100 का भी फासला है, पर वाकई ऐसी सीटें भी हैं हिमांशु जहां पे मुमकिन है कि बीजेपी अकेले दम पर कर जाए 272 को पार। देखिए, बिल्कुल बीजेपी को उम्मीद है और बीजेपी के लिए जश्न की तैयारी हो गई है। अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है वहां पर पहुंचने वाले हैं, वहां पर जश्न होगा और हो सकता है 7-7:15 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचना शुरू हो रहे हैं। जिस तरीके की जानकारी जो है श्वेता हमको आ रही है, हमको बताया जा रहा है कि वहां पे अब तमाम बड़े नेता यहां से जेपी नड्डा के घर से निकलकर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद जो है जश्न की तैयारियां जो थी भारतीय जनता पार्टी की, अब जश्न जो है वो शुरू होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ती जाएगी जिन सीटों पर वो कुछ मतों से या कुछ हजार वोटों से जो है पीछे है वहां उनको विजयश्री मिल सकती है। अभी जो सबसे ज्यादा इन डिमांड पार्टी है वो है जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल क्या यूनाइटेड रहेगी एनडीए में ही? अभिषेक झा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, फोन कॉल आपको भी आ रहे हैं, आप हमारी